किसान को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ, पिरखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और आज हम अपने जगुआ खुर्द गांव में आए हैं, जो हमारे प्रदीप भाई जी हैं और एफपीओ में ये भाई जी कार्य कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी बागवानी खेती यहाँ पे कर रखी है और आज हमारे बीच अवलोकन करने आए हैं उप कृषि निदेशक अमरोहा से सर और जिला कृषि अधिकारी सर आए हैं। और ये हमारे बीच महिपाल सर भी हमारे ब्लॉक अमरोहा से आए हुए हैं और यहाँ पे इस खेत का अवलोकन सर ने किया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फसल यहाँ पे अमरूद की हो रही है। ये ताइवान पिंक अमरूद है और ये 2 एकड़ में लगा हुआ है ये पूरे क्षेत्र में ये अमरूद। और यहाँ पे जो है ये जो पौधा है अभी एक साल 4 महीने का ये पौधा हो चुका है और यहाँ से जो है 1 क्विंटल अमरूद जो है अपना प्रतिदिन जा रहा है। जो सर्दियों में हमारी इसकी कॉस्ट जाती है, जो MRP इसकी है हमारी, तो 60 रुपये है और इस समय पर हमारी जो है 30 रुपये किलो तक हमारा ये अमरूद जा रहा है। अब ये देखिए आज यहाँ पे हमारे किसान भाई भी आए हुए हैं, काफ़ी किसान भाई यहाँ पे हैं। तो ये भी किसान भाई जागरूक हो रहे हैं देख के और अपने अपने खेतों में बदलाव भी कर रहे हैं। और आज ये भाई जी आपको बताएंगे कि इन्होंने भी भैया ने 1 बीघा शुरुआत कर दी है 1 बीघे से। तो इस प्रकार आप भी आप अपनी भूमि में थोड़ी से शुरुआत कर सकते हो और आप देखिए उससे कितना फायदा हो रहा है। और हम अपने भाई जी की मूजामानी सुनना चाहेंगे कि भाई जी आप सभी को बताइए कि यहाँ पे आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है इस फसल से, कैसे आप खेती को कर रहे हो। ये लगभग 16 महीने का बाग हुआ है और इसमें मैंने लगभग 16 महीने पहले लगाया था और रेगुलर ही फल देता है। ये जब से लगा है तभी से रेगुलर फल दे रहा है। पिछले मतलब बड़ी फसल तो इस समय हुई है, 16 महीने बाद बहुत बड़ी फसल हुई है जिसमें 100 क्विंटल माल है इस समय बाग में। और ये आमदनी का इतना अच्छा साधन है कि अब ऐसे समझिए आप 1 साल में 3 फसल देता है और 100 क्विंटल की एक फसल है तो 300 क्विंटल हो गया। 8 बीघे बाग है तो मतलब गन्ना उन्ना सब बेकार है, इसके सामने कोई फसल नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है आमदनी की, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद भाई जी। और अब हमारे उप कृषि निदेशक यहाँ पे आए हुए हैं तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर को यहाँ पे देखकर कैसा प्रतीक हुआ, कैसा लग रहा है इस खेती को देखकर, सर बताएंगे आप सभी को। देखिए ये कोई ये कह नहीं सकता कि 1 साल 4 महीने में इतनी अच्छी फलत आएगी। श्री सिंह साहब ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है और जनपद में एक तरह से अमरूद के खेती की शुरुआत की है, क्योंकि थोड़े बहुत तो सभी कर रहे थे लेकिन यहाँ की फलत और जो इनके द्वारा इसमें मैनेजमेंट किया गया है बहुत अच्छा किया गया है। और मैं चाहूँगा कि ये जनपद के और भी कृषक भाइयों को इसके बारे में बताएँ, इसका वीडियो वगैरह लेके बना के हम लोग रखेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारी गोष्ठियाँ होती रहती हैं, किसान भाई के लिए एक नया इनोवेशन है और इसको हम और भी प्रमोट करेंगे और इनका नाम आगे चल के इनके पुरस्कार के लिए भी हम नामित करेंगे। इसका आप जो भी उत्पादन हो इसका रिकॉर्ड रखें। इसमें ज़्यादातर लोग बाग लगा के एक चीज़ की गलती कर देते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आप इसका वैज्ञानिक रूप से पोषक तत्व तो प्रबंधन करिए, विस्तार से मैं आपको बता दूँगा, और उसके हिसाब से इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन दीजिए। जैसे पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं तो हर बार 17 के 17 डालिए इसमें, और जीवांश पदार्थ इसमें लगातार हर साल बरसात के महीने में ज़रूर इसमें डलवाइए। जुलाई अगस्त अच्छा समय है, देसी जो गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद है या वर्मी कंपोस्ट है आप उसका भी प्रयोग करिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और लोगों के बीच में इसके बारे में प्रचार प्रसार करिए। मुझे लगता है कि भविष्य में आप अमरोहा में एक अमरूद की बहुत बड़ा बागान विकसित कराने में सहयोग करेंगे और इस तरह से आप जो है किसान भाइयों की और पूरे समाज की हेल्प करेंगे। धन्यवाद सर। और अब हम अपने जिला कृषि अधिकारी सर से भी बातचीत करना चाहेंगे कि सर को यहाँ पे देख के कैसा प्रतीक हुआ। यहाँ पे हम लोग आज आए हैं इस गांव में, हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी ये जो ताइवान पिंक वैरायटी है अमरूद की इन्होंने लगाया है। इसमें इन्होंने जो लगाया है इसमें जो पौधे दूरी और मेंटेन किया है, इसमें आगे मैं सलाह दूंगा कि उद्यान विभाग से ड्रिप इरीगेशन की एक स्कीम है इसमें लगावें, क्योंकि वो ड्रिप इरीगेशन लग जाएगा तो इनको और सुविधा मिलेगी। जो हम भी पानी नाली से दे रहे हैं, अधिक पानी हो जा रहा है जिससे कहीं कहीं फसल में देखा हूँ कि उसमें ज़मीन में ज़रा टच कर रहा है तो उससे ख़राब हो रही है, तो उससे बचत होगी हमारी और जो वीड खरपतवार उगते हैं वो भी उससे हमारा हो जाएगा और पानी की बचत होगी। उसमें ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से हम रिसर्च ने जो बताया था ड्रिप साहब ने, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो बैलेंस्ड
माइक्रोन्यूट्रेंट उसके माध्यम से हम उसको दे भी सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं और उससे हम बैलेंस जो हमारी जितने पौधों को आवश्यकता है उससे हम उसे दे सकते हैं। दोनों ये आगे चल के उद्यान विभाग से जुड़ेंगे, हम लोग इनका सहयोग भी करेंगे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उपज है। इससे देखने में तो यही लग रहा है कि किसान भाई यहाँ इसको और बागवानी के रूप में अपनाएं। और ये जो यहाँ की मिट्टी है, जो बलुई दोमट मिट्टी है यहाँ की, जो अमरूद के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये एरिया जो है अमरूद के लिए बहुत ही मुफीद है। इन्हीं सब बातों के साथ में धन्यवाद सर। और ये देखिए, हम सभी किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे, अभी ये हमारा पका हुआ अमरूद भी नहीं है, पूरी इसकी ग्रोथ भी नहीं हुई है, ये कच्चा ही अमरूद है, आप इसे देखिए। और ये कच्चा भी इतनी मिठास है इसके अंदर, काफ़ी मिठास है। तो सभी किसान भाई इसको देखिए और थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करिए। रोज़ यहाँ पे अपने जो हैं, जो मीडिया बंधु भी हैं और न्यूज़ वाले बंधु भाई जी हमारे, वो भी प्रतिदिन यहाँ पे आते रहते हैं और देखते रहते हैं, और उन सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे किसान भाई जी हैं, ये इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा अपनी शुरुआत कर दी है। तो आप सब किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी अपनी खेती में थोड़ा ना थोड़ा बदलाव करिए, प्राकृतिक की तरफ कदम बढ़ाइए, और आप इसमें करोगे तो आपकी आय भी बढ़ेगी। और अगर कोई भी किसान भाई हमारे साथ मिलकर नई नई प्रकार की खेतियां करना चाहते हैं तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8958766494। ये देखिए पूरा बाग है, ये देखिए इसमें आम के पौधे हैं और अमरूद के हैं, आप देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। तो आप सब करिए और अपनी खेती में बदलाव करिए। धन्यवाद, नमस्कार।